नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जो इस तरीके से हमारी हॉस्पिटल्स का माहौल खराब करते हैं, छोटे से बच्चे हैं, फूलों की तरह उनकी जानें हैं, ये वायरस यहाँ पर उड़ता है, सामने जाता है, क्या हमारे बच्चे मरेंगे? कोरोना वायरस भी इतना डैमेज हमारे बच्चों को हमें नहीं करेगा जितनी हुकूमत की ये जो नाली है वो करेगी। के खुदा के वास्ते इस गिलाजत को मेन हॉस्पिटल के दरवाजे से दूर किया जाए। अंदर स्टाफ से भी मुझे कॉल आई है शेख जैद से कि हम अंदर सांस उठा नहीं सक रहे हैं, इतनी ज्यादा बदबू है। यहाँ पर पेशेंट जो होता है, जो बच्चा पैदा होता है तो रतुबत के साथ पर्दा निकलता है, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। आवाज तो इटली से उठी थी पर बहस का मुद्दा बनी पाकिस्तान में। अब यहाँ इमरान सरकार पर दबाव बढ़ गया है। लोग यह जानने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं कि सरकार साफ करे कि कितने मुल्ला गए और कितने जाने वाले हैं। खुद बिलावल भुट्टो जिनकी पार्टी सिंध में सरकार है, उन्होंने इमरान को घेरना शुरू कर दिया है। पाक में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है कि सरकार कोरोना वायरस के आंकड़ों को छुपा रही है। नुकसान बहुत बड़ा है, जबकि इमरान खान इसे कमतर करके दिखा रहे हैं। दरअसल ये आवाज तब उठी जब प्रशासनिक अमला कुछ शवों को चोरी छिपे दफनाते हुए नजर आया। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। इमरान खान कोरोना आंकड़ों को जिस साफगोई से दिखाने में लगे हैं, उसके पीछे चल रहा खेल बेहद ही डरावना है। कहा जाता है कि यहां बड़ी तादाद में लोगों की बैंड बच चुकी है, लेकिन सरकार वास्तविक संख्या के साथ हेराफेरी कर रही है। सवाल तो कोरोना की धीमी टेस्टिंग और उस लूट खसोट पर भी उठ रहे हैं, जिसमें प्राइवेट लैब कोरोना के बहाने जमकर पैसा बना रही है। पाकिस्तान में आज सुबह तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 54,601 बताई गई है, जबकि हुरो की खोज में गए लोग 1,133 है। मगर हकीकत यही है कि यहाँ के अस्पतालों में हर रोज 300 से ज्यादा मौतें हो रही है। ऐसे मरीजों की संख्या भी काफी है जो अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक रोजाना 100 से 150 बोटी कब्रिस्तान पहुंचाई जा रही है। खास बात यह है कि ये सभी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मौतें पंजाब सूबे में हो रही है। इस प्रांत में तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार है। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून ने पिछले दिनों दावा किया था कि पाकिस्तान में रोजाना 800 से 1000 के बीच शव दफनाए जा रहे हैं, मगर उसके बाद द ट्रिब्यून पर ही एक्शन हो गया। उसे इस तरह के आंकड़े पेश करने पर सेना ने हद में रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान के सुल्तान की नाकामी की वजह से अब हालात बेहद डरावने हो गए हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं ने इमरान पर इतना दबाव डाला कि उन्हें मस्जिदें खोलनी पड़ी है, जिसके बाद मात्र 12 दिनों में ही यहां 9,000 से संक्रमित मरीजों की तादाद 54,000 पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि अगले एक हफ्ते में यह 1,00,000 को पार कर जाएगी। मगर यह सरकार के द्वारा दुनिया को बताए गए वे आंकड़े हैं, जिस पर कभी पीठ थपथपाती है और कभी एक दूसरे की पीठ खुजाती है। टेस्टिंग की स्थिति यह है कि अभी पाकिस्तान 4,00,000 लोगों की जांच भी नहीं कर पाया है। या हुई तमाम जांच के उपरांत औसतन 12% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में 2 करोड़ लोग वायरस से पीड़ित हो सकते हैं। पर मामला अब ज्यादा गंभीर हो चला है। पाकिस्तान में बाजार पूरी तरह खुल गए हैं। अब इस मुल्क में लॉकडाउन लगभग खत्म हो चुका है। लोगों की भीड़ सड़कों पर है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुल्लाओं ने अपने सैलून खोल दिए हैं और मिठाई की दुकानों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। कल ईद के मौके पर जिस तरह हजूम निकले, उसने सरकार की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। यानी पाकिस्तान में कोरोना एक बड़ा विस्फोट करने को तैयार है, जो पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि इमरान का ध्यान आंकड़ों को छिपाने पर ज्यादा है, जबकि स्थिति को काबू करने पर वे नकारा साबित हुए हैं। जिन मौतों पर सवाल उठे थे, उन्हें दमे का मरीज बताकर इमरान ने पल्ला झाड़ लिया है, जिससे पाक की विपक्षी पार्टियां खुद ही जांच करने का ऐलान कर चुकी है। अब इन नेताओं ने इमरान के अस्पतालों में नहीं जाकर सीधे कब्रिस्तानों में जाकर पिछले 3 माह में दफनाए गए शवों का ब्योरा जुटाने का फैसला किया है। ईदी फाउंडेशन का लिंक रोड कराची में स्थित कब्रिस्तान भी संदेह के दायरे में है। इस कब्रिस्तान में 1600 से ज्यादा शवों को दफनाया गया है, जबकि यहाँ कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या 150 ही बताई गई है। इस तरह इस्लामाबाद और लाहौर के 4 से ज्यादा कब्रिस्तान शक के घेरे में आ गए हैं। यहाँ 6,000 से ज्यादा शवों को दफनाया जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 2% का ब्योरा ही फाइलों में दर्ज है। बाकी कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, इसका लेखा जोखा नहीं मिल रहा है।
कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना से ज्यादा मौतें भूख की वजह से हुई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को राशन नहीं मिलने से हजारों लोगों ने दम तोड़ा है। सरकार इन आंकड़ों को छुपाकर विपक्ष के सवालों से बचने के प्रयास में है। इमरान को लगता है कि अगर भूख से दम तोड़ने का मुद्दा सामने आया तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। शायद यही वजह है कि आंकड़ों के साथ लुका छिपी का मामला ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। पर यह भी हकीकत है कि इसे देर तक छुपाना खुद पाकिस्तान के लिए भी घातक हो सकता है, क्योंकि जब स्थिति शांत होगी तो लोग अपनों की तलाश के लिए सड़कों पर जरूर आएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।